और मॉस्को में फाइनल नया वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रतीक्षित रूस यात्रा का आगाज हो चुका है। भारत और रूस के बीच रिश्ते नए आयाम गढ़ने जा रहे हैं। भारत और रूस दोनों के लिए 2024 की मोदी पुतिन मुलाकात का क्या है बड़े मायने, इस रिपोर्ट में देखिए। के सर्द मौसम में रिश्तों की ये नई गर्मी है। ये खड़ी ऑल वेदर फ्रेंड से मुलाकात की है। टेस्टेड एंड ओके रिलेशनशिप का ये नया चैप्टर है। मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रतीक्षित यात्रा का आगाज हो चुका है। सैनिक सलामी है, रेड कारपेट वेलकम है, दो मजबूत देशों के दो मजबूत नेताओं का महामिलन है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए एयरपोर्ट पर ही रिसेप्शन का इंतजाम किया गया। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक मेल का नमूना देखिए। रूसी आर्टिस्ट गुजराती गरबा कर रहे हैं। मॉस्को में तिरंगा पूरे आन बान शान से लहरा रहा है। इस्तकबाल हो तो ऐसा, स्वागत हो तो ऐसा, दशकों पुरानी दोस्ती नया परवाज भर रही है। ये यात्रा कितनी खास है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तीसरे चरण में द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से पीएम मोदी ने सबसे पहले रूस को चुना। दौरा दो दिनों का है, 8 और 9 जुलाई, लेकिन इस दौरान भारत और रूस के बीच कई नई लकीरें खींची जानी हैं, कई नए समझौते हो सकते हैं, कई बड़े मुद्दों पर आपसी समझ साफ हो सकती है, कई रुके और मंद पड़े सौदे गति पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, भारत और रूस दोनों के लिए 2024 की मोदी पुतिन मुलाकात के क्या है बड़े मायने। आने का मतलब समझने से पहले इस वक्त भारत और रूस की परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। रूस इस समय युद्ध में फंसा हुआ है। रूस कई तरह के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। दूसरी ओर पीएम मोदी हैं जो आपदा को अवसर में बदलने की क्षमता से लैस हैं। सबसे पहले चर्चा उन मुद्दों की जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान बातचीत का हिस्सा हो सकते हैं। पहला मुद्दा है दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन का। रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार दूसरे वर्ष बढ़ते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में $57 अरब तक पहुंच गया है। रूस अब चीन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयात साझेदार भी हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक रूस के साथ व्यापार घाटा भी चीन के साथ सबसे उच्च स्तर पर है। दूसरा मुद्दा है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का। यूक्रेन युद्ध के बाद चीन के बाद भारत रूस से तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। रूस भारत के लिए कच्चा तेल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। तेल और प्राकृतिक गैस से भरपूर रूस भारत के लिए इस लिहाज से बहुत काम का है। तीसरा मुद्दा है एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की सप्लाई का। इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है क्योंकि भारतीय सेना के 70% हथियार, वायुसेना के 80% सिस्टम और नौसेना के 85% प्लेटफॉर्म सोवियत संघ द्वारा दिए गए थे। भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य 2004 में रूस से प्राप्त किया गया था, जो इन संबंधों की मजबूती का प्रमाण है। लिहाजा मोदी पुतिन की मुलाकात में इस 400 मिसाइल सिस्टम की 2 यूनिट में देरी का मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है। अस्ताना में हुए शंघाई सहयोग सम्मेलन में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ और जोरदार तरीके से इसे उठाया था। अब बताया जा रहा है कि खुद पीएम मोदी पुतिन के सामने ये मुद्दा उठा सकते हैं। अक्टूबर 2018 में भारत ने इस 400 मिसाइल प्रणाली के लिए रूस के साथ $5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
भारत ने रूस से 5 स्क्वाड्रन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा। रूस ने अभी तक केवल 3 ही भारत को दिए हैं और बाकी S-400 सिस्टम साल 2025 में देने की बात कह रहा है। यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह से फंसे होने की वजह से इसकी आपूर्ति पर सवाल उठ रहे हैं। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे के बीच भारत को इस 400 की सख्त जरूरत है, लेकिन रूस इसे नहीं दे पा रहा है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच इस 400 के भारत में को प्रोडक्शन और मरम्मत की सुविधा को लेकर बातचीत हो सकती है। दोनों देशों के बीच भारत में ही इसे रिपेयर करने के लिए एक समझौते पर सहमति बन गई है। भारत में इसके उपकरण भी बन सकते हैं। भारत चाहता है कि उसे इसके रिपेयर में आत्मनिर्भरता रहे। रूस वर्तमान में भारत के कुल हथियार आयात में लगभग 47% हिस्सेदारी रखता है। भारत की थल सेना में T-72 और T-90 जैसे रूसी टैंकों और इसके जमीनी हमलावर विमान बेड़े में MiG-21, Sukhoi-30 और MiG-29 विमानों के वेरिएंट अहम भूमिका रखते हैं। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यही नहीं, भारत की आधी से अधिक पारंपरिक पनडुब्बियां सोवियत डिजाइन की हैं। चौथा मुद्दा है रूसी सेना में भर्ती भारतीय नागरिकों की वापसी का। एक अनुमान के मुताबिक 30 से लेकर 40-45 तक की तादाद में भारतीय नागरिकों को गुमराह करके झूठे बहाने से रूसी सेना में काम करने के लिए भेजा गया है। हालांकि इनकी संख्या बता पाना मुश्किल है। इनमें से 10 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। लेकिन रूस की सेना में शामिल 2 भारतीयों की मौत की भी सूचना है। सवाल है कि रूस ऐसा कैसे कर सकता है। ये ऐसा सवाल है जो पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के मुलाकात के दौरान उठ सकता है। और जाहिर तौर पर पांचवा मुद्दा है रूस यूक्रेन युद्ध का। भारत ने यूक्रेन युद्ध पर एक संतुलित नीति अपनाई है। भारत ने इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की वकालत की है और रूस की आलोचना करने से भी परहेज किया है। ये नीति भारत को अपने विदेश नीतिगत हितों को संतुलित करने में मदद करती है बिना किसी पक्ष को नाराज किए। मोदी पुतिन मुलाकात, चीन की जलन। रूस और भारत के संबंधों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रूस और चीन के बीच की दोस्ती बढ़ रही है, जो भारत का मुख्य प्रतिद्वंदी है। इस त्रिकोणीय रिश्ते की जटिलता तब और साफ हो गई जब पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बजाय विदेश मंत्री एस जयशंकर को कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई बैठक में भेजा। इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल थे। ये तथ्य है कि रूस चीन के करीब आ रहा है। रूस को चीन की जरूरत भी है, लेकिन इसी के साथ रूस कभी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ उसके रिश्ते खराब हो। यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति मॉस्को के बाहरी इलाके में अपने ढांचा यानी हॉलिडे होम के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले घर में प्राइवेट डिनर पर पीएम मोदी की मेजबानी कर रहे हैं। और इधर चीन और पाकिस्तान के डरने की एक बहुत बड़ी वजह सामने आ गई, क्योंकि जोरावर आ चुका है। जोरावर भारत का नया टैंक है, जिसे लद्दाख और कश्मीर फ्रंट पर गेम चेंजर माना जा रहा है, और इसी से चीन और पाकिस्तान दोनों डरे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। 90 और T-72 के मुकाबले ज्यादा फुर्तीला है। ये आराम से पहाड़ पर चढ़ सकता है और नदी को पार कर सकता है। जोरावर टैंक 25 टन का है। इसके मुकाबले में T-72 टैंक 46 टन का है, जबकि T-90 48 टन का है और अर्जुन टैंक 60 टन का बनाया गया है। यही वजह है कि जोरावर को खास लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड फ्रंट में ऑपरेट करने के लिए तैयार किया गया है। कम वजन होने की वजह से यह मुश्किल पहाड़ी इलाकों में आराम से दौड़ेगा। There are 3 different types of tanks. There are 3 categories depending on the weight. The heavy tanks, the medium tanks and the light tanks. Each one has got its own role. One is for protection, one is for offense, and these light tanks play a mixed role for both. So if you see in a light tank, there are many players in the world who are making light tanks.
जोरावर टैंक का नाम 19वीं सदी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लद्दाख और तिब्बत में कई ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। अभी इस टैंक का प्रोटोटाइप तैयार किया गया है और अगले कुछ सालों तक इसके पहाड़ से लेकर रेगिस्तान और दलदली इलाकों में ट्रायल होंगे और उसी के बाद नई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जोरावर का उत्पादन शुरू होगा। सेना में शामिल करने के लिए 2027 तक का वक्त दिया गया है। भारतीय सेना ने शुरुआत में सिर्फ 59 जोरावर टैंकों का ऑर्डर दिया है, बाद में 295 और टैंक खरीदे जाएंगे। जोरावर की टक्कर इस वक्त चीन के मौजूदा हल्के पहाड़ी टैंक ZTQ Type 15 से है। चीन का ZTQ Type 15 टैंक भारत के लिए बड़ी चुनौती है। चीन ने इस टैंक को बनाकर यह सिग्नल दे दिया है कि तिब्बत फ्रंट पर वो टैंक वाला युद्ध करने में हिचकिचाएगा नहीं। भारत के दो पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की कारस्तानियों का लेखा जोखा धोखे वाला है। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, दोनों से युद्ध की सूरत में ये टैंक की भारतीय जवानों के पास सबसे बड़ी ताकत होंगे। अब जोरावर के साथ चीन को बड़ा चैलेंज दे दिया गया है। देयर आर द वेस्टर्न टैंक्स, द रशियन टैंक्स, चाइनीज टैंक्स, द चाइनीज टाइप 15 टैंक्स व्हिच इज राइट नाउ बीइंग डिप्लॉयड। बट व्हाट इज यूनिक ऑफ दिस टैंक इज द वेट एज वेल एज द कॉम्बिनेशन ऑफ the fundamental parameters of a tank, which is the firepower, mobility and protection. All three are optimized in such a way that the weight is also maintained. At the same time, you're getting all the parameters also. असल में भारत के पास तीन प्रमुख टैंक हैं, T-72, T-90 और अर्जुन टैंक। इन और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, और आप देख रहे हैं भारत प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल, और इसी के साथ 10 बजे जरूर देखिए मारो राजस्थान।